दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत तोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन, इन तीनों लाइनों में भारत का शब्द मौजूद है, लेकिन अगला शब्द छोड़ो आंदोलन, जोड़ो आंदोलन, तोड़ो आंदोलन, इसमें से कौन सा शब्द ज़्यादा खतरनाक है? आप कहेंगे भारत तोड़ो आंदोलन, मैं कहूँगा ये तो खतरनाक है ही है, लेकिन भारत जोड़ो आंदोलन ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आप कहेंगे वो कैसे, तो ज़रा रुकिए, आपको तसल्ली से बताता हूँ कि भारत जोड़ो आंदोलन क्यों ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारत जोड़ो आंदोलन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत ही भारत है, तो जोड़ने की ज़रूरत कहाँ से आ गई? अब मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल हम ये पूरी रामकथा क्यों बता रहे हैं। बात दरअसल ये है कि पिछले 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जैसी पवित्र धरती पर बसने वाले कुछ गुंडों ने भारत जोड़ो आंदोलन के बैनर तले मुसलमानों के खिलाफ घोर आपत्तिजनक नारे लगाए और खूब देर तक नारे लगाते रहे। नारे इतने ज़्यादा आपत्तिजनक हैं कि हम उसे बोल भी नहीं सकते। आइए आपको सबसे पहले नारे सुनाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। वहीं भारत जोड़ो आंदोलन की प्रवक्ता शिप्रा श्रीवास्तव ने यह कहा कि वहां 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन अगर किसी कोने में 5-6 लोगों ने इस तरह के नारे लगाए तो हम उससे खुद को अलग करते हैं। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्या ये 5-6 लोग हैं या कितनी बड़ी संख्या में लोग नारे लगा रहे हैं और बेखौफ होकर नारे लगा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस वहां मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में उसके नाक के नीचे इस तरह के नारे लग रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम घटनास्थल पर मौजूद थे, वो घटना को कवर कर रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि ये 4-5 लोग नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में नारे लगा रहे थे। इस दौरान अनमोल प्रीतम के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उन्होंने दवायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को बताया कि वो कैसे लिंच होते होते बच गए। मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लाइन में जबरदस्ती आप लोग मत बुलाइए, जबरदस्ती आप लोग मत बुलाइए। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जैसे राम बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा। मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए अब इनका कहना मैं ना मानू, अच्छा मैं आपका कहना ना मानू, तुम्हें गलत है, बिल्कुल गलत हो आप। तमाम तरीके से कोशिशें हो रही थी, पूरा हैकल किया गया और बड़ा ही वो ऐसा लग रहा था कि ये लोग। प्रीतम आप बोल देते जय श्री राम, क्यों नहीं बोला आपने जय श्री राम? मैम एक मोमेंट आया था, एक मोमेंट ऐसा आया था, एक लंबा चौड़ा सा आदमी, मेरे हाइट के दोगुने का आदमी, वो आया मेरे पास, उसने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, उसने कहा तुम्हारे मुंह में दही जमी है क्या, तुम बोल क्यों नहीं सकते? वो एक मोमेंट था जब मुझे एक सेंस ऑफ फियर एक हुआ, मतलब तब मुझे लगा कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, लग रहा है मेरे ऊपर हमला हो जाएगा। तो वो एक डिसाइडिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या फिर मुझे अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए। तो मैंने सोचा ये बात कि अगर मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ तो शायद मैं बच जाऊं और ये लोग भी खुश हो जाएंगे, और अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ तो उसके क्या परिणाम होंगे और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये लोग मार देंगे, पीट देंगे, 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहूंगा, या बहुत ज्यादा मार देंगे तो 5-6 महीने हॉस्पिटल में रहूंगा। तो ये जो शरीर का घाव मेरे ऊपर आएगा मार पीट से, ये तो रिकवर तो हो ही जाएगा ना, कुछ ना दिन में, साल भर में, 2 साल में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया मैम इस मोमेंट पे, तो ये जो घाव मेरे उसूलों पे पड़ेगा, मेरी आत्मा पे जो चोट पड़ेगी, वो शायद मैं पूरी लाइफ ना उससे रिकवर कर पाऊँ, और मैं हर रात सोने से पहले वो चीज मुझे बेचैन करे और मैं चैन से सो भी ना पाऊँ। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने शरीर पे घाव खा लूंगा लेकिन मैं अपने उसूलों पे चोट नहीं आने दूंगा,
और देन आई डिसाइडेड कि मैं नहीं बोलूंगा, और ऐसे आप लोग घेर के बोलोगे तब तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इस वीडियो को देखकर इतना लगता है कि अब जय श्री राम के नारे के नाम पर पहले अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान जैसे लोगों को लिंच कर दिया जाता था, लेकिन अब अनमोल प्रीतम जैसे लोग भी बच नहीं सकते हैं, उन्हें भी इसके नाम पर लिंच किया जा सकता है। हालांकि आपको बताते चले कि दंगा फैलाने वाले और नफरतबाज हिंदुओं की संख्या काफी कम है। हो सकता है इन फ्रिंज एलिमेंट की संख्या लाखों में पहुंच गई हो, लेकिन करोड़ों हिंदू आज भी अच्छे और इंसाफ पसंद हैं। इस तरह की घटिया और घिनौनी हरकत से शांति पसंद हिंदू आहत होते हैं। उनका मानना है कि इन दंगाइयों से हिंदू धर्म बदनाम होता है और वो किसी भी कीमत पर इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप हिंदू हैं तो आपके न जाने कितने दोस्त मुसलमान होंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो न जाने कितने दोस्त हिंदू होंगे जिनके साथ आपका मिलना जुलना है, उठना बैठना है, खाना पीना है, एक दूसरे से अच्छी खासी दोस्ती है, एक दूसरे के घर आना जाना है, एक दूसरे के मजहब का सम्मान है। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है, यही तो हमारे भारत का अनोखापन है। याद कीजिए गांधी जी ने क्या कहा था, भारत हमारा एक बागीचा है। बागीचा किसे कहते हैं? बागीचा जिसमें गुलाब का फूल हो, चंपा का हो, गेंदा का हो, चमेली हो, यानी हर तरह के फूल हो, उसको बागीचा कहते हैं। लेकिन ये हिंदू चंद फ्रिंज एलिमेंट्स इसको ये खेती में बदल देना चाहते हैं। खेती कहते हैं जहाँ एक ही जैसी चीज़ हो, यानी गेहूं है तो गेहूं है, धान है तो धान है, गन्ना है तो गन्ना है, और यहाँ तक कि फूल की भी खेती है तो फूल ही की खेती है, यानी गुलाब है तो केवल गुलाब है, गेंदा है तो केवल गेंदा है। तो आपको ये डिसाइड करना है और ये तय करना है कि क्या आपको इस देश को खेती के रूप में चाहिए या इस देश को एक बागीचे के रूप में चाहिए। बागीचे के रूप में अगर आपको चाहिए तो आपको तमाम तरह के फूलों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, यानी इसके बगैर संभव ही नहीं है, वरना वो बागीचा बागीचा नहीं बल्कि खेती बनकर रह जाएगा। और जिस तरीके से इस वीडियो में एक दूसरे के साथ तिजारत ना करने, लेन देन ना करने की बात कही गई है, क्या ये भारत में व्यवहारिक है? क्या ऐसा संभव है कि हिंदू हिंदू से खाली तिजारत करे, मुसलमान मुसलमान से खाली तिजारत करे? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। भारत में हिंदू मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ नौकरी करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी में नौकरी करते हैं, एक दूसरे की दुकान में नौकरी करते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना है, एक दूसरे से लेन देन करते हैं। हमारे बगल में एक किराने की दुकान हिंदू की है, हम वहाँ से सामान खरीदते हैं। बगल में एक हिंदू की दुकान है, वहाँ सब्जी वगैरह वहाँ से लेके आते हैं। हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे दोस्त हैं जो हिंदू हैं और हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं। हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। इस तरीके से लाखों और करोड़ों हिंदू ऐसे हैं, उन्हें भी मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद फ्रिंज एलिमेंट की वजह से करोड़ों हिंदू बदनाम होते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि क्या यही भारत जोड़ो आंदोलन है? इसको भारत जोड़ो आंदोलन कहते हैं? इसी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि भारत जोड़ो आंदोलन ये सबसे ज्यादा खतरनाक नारा है। अब आइए बात करते हैं कि अगर इस तरह के नारे लगाए तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? तो जी हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उन 6 लोगों के नाम ये हैं: अश्वनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत, क्रांति और प्रीत सिंह हैं। इस तरीके के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भी कुछ फ्रेंच एलिमेंट्स ने वहां पर धरना दिया, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको वहां से हटा दिया। वहीं हिंदू रक्षा दल नाम का संगठन चलाने वाले पिंकी चौधरी की पुलिस तलाश कर रही है, अभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि संजय सिंह का यह मानना है कि कार्रवाई एक रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं जो लोग भारत में सत्ता में मौजूद हैं, ये उन्हीं के पाले हुए लोग हैं, ये उन्हीं की विचारधारा से मेल खाते हैं, इसलिए ये कार्रवाई एक रस्मी कार्रवाई से ज़्यादा कुछ नहीं कही जा सकती। अब आइए यहाँ आपको पूरी घटना बताते हैं कि दरअसल सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उसके बैनर तले ये लोग जमा हुए थे और लगभग 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का प्रोग्राम चला था। और कहा यह जाता है कि 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं हुई, सब कुछ एक प्रोग्राम के तहत चलता रहा, लेकिन उसके बाद नारेबाजी शुरू हुई और देर तक इस तरह की नारेबाजी होती रही। आपको एक बात यहाँ बताते चलें कि जिन लोगों ने नारेबाजी की पुलिस ने उनको अज्ञात बताया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हंसी इस बात पे आती है कि तमाम चेहरे साफ साफ देखे जा सकते हैं, नारा लगाने वाले चेहरे भी साफ साफ देखे जा सकते हैं, चेहरे पहचाने भी जा सकते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस कह रही है ये लोग अज्ञात हैं। तो इसका जवाब है कि दबाव और प्रेशर, यानी पुलिस पर सरकार का इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि वो निष्पक्ष होकर के काम ही नहीं कर सकते। उसकी आंखों के सामने सारा घटना हो रहा होता है, लेकिन पुलिस सरकार के आदेशों का, यानी ऊपर के आदेशों का इंतज़ार करती है और जो आदेश ऊपर से मिलता है उसी एतबार से कार्रवाई करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये रोज़ाना की घटनाएँ बता रही हैं। आपको अगर हम चंद घटनाओं से अवगत कराएं तो क्या आपको कपिल मिश्रा का वो घटना याद नहीं है जिस पे कपिल मिश्रा ने पुलिस के सामने ये धमकी दी थी कि हम ट्रंप के जाने तक तो खामोश हैं, उसके बाद भी हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर का दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया वो नारा आप नहीं भूले होंगे, जिसमें वो कहते हैं
कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का तो क्या ही कहना, उन्होंने बाबरपुर में क्या कहा था कि बटन बाबरपुर में दबाइए और करण शाहीन बाग को लगे। ये सब क्या है, किस तरह की बातें हैं, ये पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन चूंकि सैयाह हो कोतवाल तो डर काहे का। और अब दूर क्यों जाते हैं, हाल ही में देख लीजिए 4 जुलाई को हरियाणा के पटौदी इलाके में हिंदू महापंचायत होता है, वहां पर सूरजपाल नाम का बीजेपी का स्पोक्स पर्सन वहां किस तरीके से मारने काटने की बातें करता है। और इसके अलावा और एक नौजवान लड़का गोपाल, जो इससे पहले जामिया में उसने गोली चलाई थी, वो बालिग होकर के वहां जाता है और उस पटौदी के इस महापंचायत में भड़काऊ भाषण देता है, जिसके बदले में उसके खिलाफ FIR होती है, उसको जेल जाना पड़ता है, लेकिन आसानी के साथ उसको बेल मिल जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं इस देश में। और आपको यहाँ पर एक बात और बताते चलें, ये सब कुछ चीज़ अपने दिल्ली में हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत की छवि का क्या होगा, क्योंकि हादसा दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी में पूरी दुनिया के दूतावास हैं और वो अपने अपने देशों को भारत की रिपोर्ट्स भेजते हैं। तो इसका जवाब ये है कि छवि और इमेज की फिक्र उनको होती है जो देश चलाते हैं और देश से प्यार करते हैं। यहाँ तो बीजेपी को केवल सत्ता में बने रहना है, इसके लिए चाहे उन्हें जो करना पड़े। और बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि जिनके वोटों से वो चुनकर आए हैं और आने वाले दिनों में चुनकर आएंगे, उन्हें खुश रखना बहुत ज़रूरी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और करनी भी है तो बस दिखावे की कार्रवाई करनी है, चाहे देश की छवि का बंटाधार हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक UAPA की बात है, तो ये बात हम सबको पता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व है, किसी और पर ये लागू ही नहीं हो सकता। और आए दिन इसका तमाशा देखते ही रहते हैं। आपको पता है कि इससे पहले 94 केसेस ऐसे हुए थे 120 में से, जिस पर योगी सरकार को यानी उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और ये कहा गया था कि इन केसेस में UAPA का दुरुपयोग किया गया है। आपको बता दें कि यह सब कुछ जो तमाशा हो रहा था वो 79th वर्षगांठ के मौके पर हो रहा था, किसके, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, तो उसकी 79th वर्षगांठ थी। इस मौके पर यह तमाम कुछ नौटंकी हो रही थी। अफसोस ये है कि देश को जोड़ने के नाम पर देश को तोड़ने की बात कही जाती है, नफरती नारे लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित सो कॉल्ड राष्ट्रवादी यानी फर्जी राष्ट्रवादी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। आगे देखिए, आप भी नज़र बनाए रखिए, हम भी नज़र बनाए रखते हैं, देखते हैं किस तरह की कार्रवाई होती है। मज़ीद कुछ अपडेट होता है तो आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन ज़रूर दबा दीजिए, वरना सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।